सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग कैमरा कंपैरिजन करेंगे Nokia 7 Plus और Asus के Zenfone 5Z के बीच में। हालांकि मुझे ये दोनों कैमरा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये टिपिकल एक कंपैरिजन है, जैसे कि हमारे सभी कंपैरिजन रहते हैं, डे लाइट फोटोज़, लो लाइट फोटोज़, वीडियोज, सेल्फीज, पोर्ट्रेट। तो आप ये वीडियो को एंजॉय कर देगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा कैमरा बेटर लगता है, Nokia 7 Plus का या फिर Asus का 5Z का। हालांकि दोनों ही फोन्स अगर देखा जाए डिस्काउंट के बाद तो ये कुछ 25,000 तक मिलता है Nokia 7 Plus और Asus का 27,000 तक मिलता है। तो प्राइस के मामले में तो दोनों ही फोन लगभग एक समान ही है, मतलब 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा के सेंसर्स अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है और प्रोसेसर भी अलग है। इसमें स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है, इसमें लेटेस्ट 845 प्रोसेसर है। तो देखते हैं कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है इस पर्टिकुलर हमारे कंपैरिजन में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई भी सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पहले डे लाइट की फोटोज है और पर्सनली मुझे तो Nokia 7 Plus की फोटो काफ़ी बेटर लगी, कलर्स पंची है और Zenfone थोड़ा ओवर एक्सपोज है, लेकिन इस पर्टिकुलर फोटो में Zenfone ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची है। एक्चुअली पहले ही भी हमने देखा था कि जिधर पीछे से बैकग्राउंड से ज़्यादा रोशनी आती है उधर Zenfone का एक्सपोजर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और फिर अच्छी फ़ोटो नहीं खींच लेता। इस पर्टिकुलर फ़ोटो में भी दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई हुई है। Nokia 7 Plus का भी कैमरा अच्छा है और Zenfone 5Z का भी कैमरा अच्छा है। इस फोटो में आप बैकग्राउंड में देख सकते हो क्लाउड्स Zenfone में काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। तो Zenfone की HDR कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू Nokia 7 Plus। लेकिन अगर जनरल फ़ोटोज़ की बात करें तो दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं डे लाइट फ़ोटोज़ में। इधर भी आप पीछे के क्लाउड्स देख सकते हो Zenfone में क्लियरली दिख रहे हैं। अभी इस फोटो में Nokia 7 Plus में थोड़ा सा सैचुरेशन दिख रहा है जबकि Zenfone नेचुरल कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट इस फोटो में फिर से Zenfone में एक्सपोजर लेवल बढ़ गया जबकि Nokia 7 Plus काफ़ी बेटर फोटो दे रहा है। इस फोटो में पर्सनली मुझे दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा और जूम करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर आती है। तो ओवरऑल डे लाइट फोटोज दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे क्लिक कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल Nokia 7 Plus में ग्रीन कलर के टाइम आ जाता है। अभी ये पोर्ट्रेट मोड है और पर्सनली मुझे दोनों ही पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी अच्छे लगे। Zenfone में हम लोग मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं पोर्ट्रेट और ये फ्रंट फेसिंग सेल्फी है और इसमें मुझे Nokia 7 Plus की सेल्फी काफ़ी बेटर अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे डिटेल्स है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और ये पोर्ट्रेट मोड है, इसमें Zenfone काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है लेकिन Nokia 7 Plus भी काफ़ी अच्छा है। अभी ये लो लाइट शॉट्स है और इसमें Zenfone काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसका एक्सपोजर लेवल बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा है। तो कभी कभार ये पर्सनल चॉइस पे भी प्रिफर करता है कि किसी किसी को पंची कलर अच्छे लगते हैं तो किसी को एक्सपोजर लेवल ज़्यादा बेटर लगता है, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो Zenfone कितना अच्छा एक्सपोजर लेवल दे रहा है। इसमें Zenfone में काफ़ी नॉइज़ है और Nokia 7 Plus में कलर्स बराबर से रिप्रोड्यूस नहीं हुए हैं। इस फोटो में भी दोनों ही फोटो काफ़ी अच्छी नहीं आई हुई है, दोनों ही फोटो में काफ़ी नॉइज़ है। इसमें Zenfone की फ़ोटो बेटर है, Nokia 7 Plus थोड़ा कूल साइड पे दिख रहा है। तो Zenfone को भी एक कैमरा अपडेट मिलने वाला है जल्दी ही इस महीने के एंडिंग तक, तो देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। इसमें डेफिनेटली Nokia 7 Plus काफ़ी अच्छी डिटेल्स गैदर कर रहा है, आप देख सकते हो।
इसमें भी नोकिया 7 प्लस बेटर है, कलर्स पंची है और डिटेल्स एक्यूरेट है। अभी ये फ्रंट कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग है और मुझे ज़ेनफोन में थोड़ा येलोइश इफेक्ट दिख रहा है। हालांकि ज़ेनफोन का फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, 8 मेगापिक्सल का ही है। नोकिया 7 प्लस एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है और स्टेबिलाइजेशन तो दोनों ही फ़ोन से बेटर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो नोकिया 7 प्लस बेटर कलर प्रोड्यूस कर रहा है। शायद ज़ेनफोन अगर फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देता तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, लेकिन उन्होंने उधर कॉस्ट कटिंग किया है इसलिए तो वो 27,000 का उसको फ़ोन बेच रहे हैं। अभी ये बैक कैमरा का वीडियो फुटेज है और बैक कैमरा में ज़ेनफोन काफ़ी अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। EIS OIS दोनों ही प्रेजेंट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, एक्सपोजर लेवल भी काफ़ी अच्छा है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बैक कैमरा के मामले में जनरली ज़ेनफोन की कुछ इशू नहीं है। नोकिया 7 प्लस थोड़ा पंची कलर देता है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये जो एक्सपोजर लेवल का इशू है ज़ेनफोन का वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही फिक्स हो जाएगा। होप सो ये मंथ के एंडिंग में एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना चाहिए ज़ेनफोन के लिए, जो कि ये सारे जो बग्स हैं वो निकाल दे देगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जबकि दोनों ही फ़ोन की प्राइस सेम है तो मैं ज़ेनफोन को पिक करूँगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सा कैमरा बेटर लगता है, नोकिया 7 प्लस या फिर Asus का 5Z का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।